क्योंकि कल उनका मैथ का पेपर है, तैयारी नहीं, तैयारी तो हो गई है लेकिन कुछ रिवाइज पानी कर दिया आज जानबूझ के। वैसे तो ये आटा सही गूंथती है लेकिन आज जानबूझ के पानी जो है वो कर दिया। और मेरा बच्चा यही काम आता है इस घर में, और कोई मेरा नहीं है। क्या हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। यहाँ संडे, मैंने सुबह 9 बजे से कपड़े लगाए हुए थे, अब बज रहे 2, और 9 से 2 बजे तक मैं कपड़े धोती रही। अभी बस मैं नहा धो के बस फारिग हुई हूँ, और यहाँ पे अब्दुल वहाब ने मेरे साथ जो हेल्प किए ना, ये देखिए नाश्ता बना रहे। बेचारा मेरा बच्चा, अल्लाह पाक इसको इतना कामयाब करे, इतना ये मेरा बच्चा मेरा साथ देता है। कुछ भी हो जाए, कोई भी नहीं देगा, लेकिन ये मेरा साथ हमेशा देता है, मेरे साथ काम करता है। और जो है आटा गूंदने बैठाया लाइबा को, सही है, उन्होंने बिल्कुल पानी कर दिया आज जानबूझ के। वैसे तो ये आटा सही गूंदती है लेकिन आज जानबूझ के पानी जो है वो कर दिया। और मेरा बच्चा यही काम आता है इस घर में, और कोई मेरा नहीं है। पूरे पराठे बनाए मेरे बच्चे ने, अंडा तल रहा है, और आप देख सकते हैं ये देखें माशाल्लाह से। माई YouTube फैमिली, हमें लाइबा को सुनाने के लिए मैं ऐसे अब्दुल वहाब को बोल रही थी, हालांकि बराबर काम करते हैं। दरअसल लाइबा ने को मैंने बिठाया आटा गूंदने, तो उसने आटे इतना पतला कर दिया, वरना ये आटा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गूंदती है। तो मैं इसको डांटते डांटते आ रही थी, कह रही थी आप मेरा काम नहीं देख रही है वो, हालांकि बराबर काम करते हैं। अगर वो उसने मेरे लिए पराठा बना लिया तो वो आटा गूंद लिया और बर्तन धो लिया, इस तरह वो काम कर लेती है। और सारे काम ही जैसे ही ट्यूशन से आती है और माशाल्लाह से सब कर लेती है सब। इसकी मैंने जिम्मेदारी लगाई हुई कि रात के बर्तन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो रात का पूरा किचन साफ़ करके अब सोती है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। और नाबिया उससे ज़्यादा मेरा काम करती है, तो औलादे माशाल्लाह से होती है ना, तो ये देखें कितना सुकून मिलता है। अल्लाह पाक जिनकी औलादे नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जिनकी है अल्लाह पाक उनकी नेक औलाद दे, नेक औलाद करे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जो है ना अनाबिया की ये उम्र जो होती है ना, ये बहुत हर चीज़ ना कैच कर रही होती हैं, बड़ों की छोटों की। तो जो जो लाइबा कर रही होती है ना, वो ये कर रही है एक्शन, ये देखें दिल बना रही है, और इतना अच्छा दिल बना रही। यहाँ पे नाश्ता करने बैठे तो मैं इसको, खैर मैं आजकल जो है ना कलमा 1 2 3 काउंटिंग ABCD अलिफ बे कलमा वगैरह पोएम्स ये सब सिखा रही हूँ, क्योंकि ये उम्र जो होती है जो इंसान हर चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेता है, तो बिठा ले जैसे अब्दुल वहाब की जो उम्र है, अब वो जो जो देख रहा है ना, वो जो जो लोग कर रहे होते हैं वो उसके जहन में बैठ चुका है, वो बिठा लिया। यहाँ पे मैं हुई हूँ रेडी, अपना सामान लेने जा रही हूँ। आज खाना क्या बनाते हैं, संडे है, आज भी हस्बैंड नहीं होंगे, लेकिन जो है खाना तो बनाना है बच्चों के लिए। अब बच्चे जाएंगे पढ़ने आज संडे, क्योंकि कल उनका मैथ का पेपर है। तैयारी नहीं, तैयारी तो हो गई है लेकिन कुछ रिवाइज करना है इन लोगों को। तो जो है ना अब हम चलते हैं अपना सौदा लेने, और क्या बनाने वाली हूँ रास्ते में सोचेंगे, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। और थोड़ी सी शेयरिंग कर दूँगी बाहर की, क्या चीज़ कितने में मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा, कुछ तो टिप्स देंगे ना। तो बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि बच्चों की उम्र जो ये वाली होती है ना, वो हर चीज़ कैच कर रहे होते हैं, हर चीज़ देख रहे होते हैं, हर माहौल को देख रहे होते हैं, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। खैर यहाँ पे जो है मैं बाहर जा रही हूँ वही सौदा लेने, आपको बताया संडे है, घर में सामान उस दिन भी थोड़ा सा आया था, आज तो फिर लेने जा रही हूँ मैं। और आज मैं सोचती भी जा रही थी क्या करूँ क्या करूँ, काफ़ी दिनों से आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, उसमें जो है सामान खाना क्या बन रहा है कुछ भी ऐसी खास वो नहीं। और बिरयानी भी कब बनाई थी, ईद से पहले आई थिंक, पता नहीं कौन सा ब्लॉग होगा, खैर यहाँ शायद रमज़ान में बनाई थी मैंने, या रमज़ान से पहले, अल्लाह ही बेहतर जाने। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने बिरयानी का सामान सोचा, यहाँ पे कैरी टमाटर और भिंडी तो 150 रुपये पाओ, अल्लाह अकबर, मैंने भी छोड़ दी, कैरी भी नहीं ली, टमाटर 150 रुपये के 2 किलो थे, और आपको बता दूँ ये रेट चल रहे हैं, वरना 80 रुपये किलो हैं, और 2 किलो लो तो 150 रुपये के। तो यहाँ पे चावल लिए, चावल भी मैंने ना 1 किलो ही बनाने थे, तो मैंने 1 किलो चावल ले लिए, गोश्त ले लिया 1/2 किलो के करीब, और गोश्त हम लोग वहाँ से लेते हैं जहाँ सामने गायें काटते हैं ना, ये 4 गायें कटती हैं इनकी सामने, और उसी शाम तक वो ख़त्म हो जाती हैं। घर आए यहाँ पे प्याज व्याज जल्दी मंगाई, तरबूज ले लिया था, माशाल्लाह से इतना मीठा तरबूज निकला था, इतना मीठा कि मैं बता नहीं सकती, ज़बरदस्त। और लाइबा से मैंने बोला शरबत बना के ले आओ, बहुत गर्मी थी, आफत
वाली गर्मी थी, लू वाली गर्मी थी, तो मैंने उसमें शरबत डाल के जैसी तरबूज तो इतना मीठा था और शरबत बिल्कुल फीका, मैंने कहा अल्लाहू अकबर लाइबा तुम चीनी डाल लेती, इतनी मुश्किल से पिया गया कड़वा सा। खैर यहाँ पे फिर जो है ये सारे काम एक मिनट में ख़त्म नहीं होगा, इनको घंटों लगे हैं करने में। और फिर यहाँ पे प्याज व्याज काटी, आलू टमाटर ये सब किचन में सारे काम करें, और जो है जल्दी जल्दी क्योंकि 4 बजे मैं ये सामान लेके, 2 बजे तो हमने नाश्ता किया था, उसके बाद 1 घंटा हम घर में फ्री बातें ये वो छल कूद के बच्चे कर रहे थे, फिर उसके बाद 4 बजे मैं सामान लेके आई हूँ, और जो है ना क्या कहते हैं उसके बाद मैंने फिर ये सारे कट पट करे, यानी कि प्याज कट्स वगैरह कर ली, आलू टमाटर ये सब हो रहे हैं, और अदरक लहसुन मैं ताज़ा कूटूंगी। और गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, अगर आप लोग कराची में रहते हैं और अगर आपको ताज़ा गोश्त चाहिए, सामने गाय कटी हुई मिले तो आपको वहाँ से मिलेगी, जहाँ अर्शी शॉपिंग मॉल है ना वहाँ पे जो है आग लगी थी, याद होगा आप लोगों को, तो उसकी बैक साइड पे एक है वो अपनी शॉप लेके बैठे हुए हैं और वो ना गाय काटते हैं, तो आप लोग वहाँ से गोश्त ले सकते हैं। ये 1400 रुपये वाला बगैर हड्डी का गोश्त था और 1200 रुपये हड्डी वाला गोश्त था, तो आधा किलो हमने लिया था, बहुत अच्छा और जल्दी भी गल गया था। मैंने प्याज ब्राउन करी, गोश्त डाला, अदरक लहसुन ताज़ा कूट के डाला, अब मैं 1 लीटर यानी पानी डाल दूँगी कि गल जाए। मैं समझ रही थी नहीं गलेगा, लेकिन ये तो समझें 4 बजे अगर मैंने चढ़ाया होगा तो 4:30 बजे तक आधे घंटे में गल गया था गोश्त। और इसको भूना, फिर मैंने टमाटर और मसाले और आलू वगैरह डाले, हरी मिर्चें डाली, और लाइबा के अभी तक छाले हो रहे थे तो इसलिए मिर्चें बिल्कुल कम रखी, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो गए नहीं। यहाँ पे ये सब प्रोसीजर करते करते 5:30-6 हो गए थे। अभी मैं आपको घड़ी दिखाऊंगी कि फिक्स कितने बजे सब हुआ। ये सारा तय वाली बिरयानी की तो बात ही अलग है, तय वाली बिरयानी बनाएं और मज़े उड़ाएं। कराची फेमस बिरयानी तय वाली बिरयानी, वाह। अच्छा कुछ लोग जो है तय नहीं बनाते, एक ही उसमें लगा देते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती, या तो सालन जल जाता है या चावल वो हो जाते हैं। और ये धनिया पुदीना जर्दे का रंग, ये कितना कलरफुल लग रहा है ना, ज़बरदस्त सा, बहुत मज़े का लग रहा है सब कुछ। यहाँ बिरयानी बनाना इतना मुश्किल हो गया, हवा का एक झोंका तक नहीं आ रहा है यहाँ से, हवा का झोंका। सुबह 9 बजे से जो लगे हुए हैं, और पैर सुन हो गए, पहले सामान लेने गई फिर ये बिरयानी हमारी, अब जो है ना लास्ट जो है हमारा रायता बन रहा है, दिखा। ये हरा है धनिया और जीरा नहीं है हमारे पास। ओह माय गॉड, मुझे घूम करती वैसे चितानी नहीं करा करें। और ये दे लिया मैंने दही, ये खीरा काटेंगे। और जो है अभी मेरी सैंडल पहन के आई हूँ, मुझे मुँह चढ़ा रही, देखिए मैंने आपकी सैंडल पहन ली, बर्तन धो लिए, चावल दम पे हैं, मेरी पूरी तैयारी हो गई, रायता भी बन गया, खीरा कटेगा। और ये देखें पूरे 6 बज रहे हैं, 4 बजे से 6 बजे तक किचन में 2 घंटे सारे काम ख़त्म करके अब जो है थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन इस आराम को अभी भी आराम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी तो हस्बैंड आ गए, मेरी शर्ट प्रेस कर दो। मैंने कहा ला आपको शाम में ही याद आता, क्योंकि इनको जाना था अपने इवेंट में, और जो है यहाँ पे बिरयानी जल्दी से बस दम लगा के मैंने कहा बच्चों को ले आए हम, और बच्चे आए हैं और हमने खाना खाया है, और बहुत 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 मज़े की बिरयानी बनी थी। आपको पता है बीफ बिरयानी की तो बात ही अलग होती है, और ये रायता हमारा स्पेशल रायता बहुत मज़े का, और गोश्त भी गल गया था, आलू भी गल गए थे, ये देख सकते हैं बोटी कितनी नरम है, और मुझे थोड़ी सी चर्बी वाली बोटी पसंद है, तो एक बोटी खाती हूँ भले उसमें थोड़ी सी चर्बी हो ना तो उसका जायका ही अलग होता है। बहुत मज़े की बिरयानी थी मेरी वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन का लाजमी बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।